खबरें तो आपने देख ली, लेकिन बजट का आज दिन है। आज किसानों को बजट में सरकार बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। किसानों को मिलेगी बजट में बहुत बड़ी सौगात। नाराजगी दूर करने के लिए कृषि बजट बढ़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा होगा। सूत्रों के मुताबिक सालाना 6,000 की जगह 10,000 हो सकती है राशि। ये बड़ी खबर आज बजट से ठीक पहले आपको हम बता रहे हैं। पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपए अब तक किसानों को मिलते हैं, अब सालाना 10,000 रुपए दिया जा सकता है। कृषि लोन में भी करीब 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद बजट के पहले जताई जा सकती है। यानी किसानों के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ हो सकता है। नाराजगी दूर हो सकती है। किसान सम्मान निधि जो है वो 6,000 से 10,000 हो सकती है। साथ ही जो इंश्योरेंस है उस पर भी इनको फायदा मिल सकता है। तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा बजट, बहुत सारा पैसा हो सकता है निर्मला सीतारमण के पिटारे में हो किसानों के लिए। बिल्कुल। और देखिए, आज के बजट में न सिर्फ किसानों के लिए बड़ा ऐलान करना होगा, बल्कि इसी बजट से किसानों का भरोसा भी जीतना होगा, क्योंकि विश्वास की कमी नजर आ रही है किसानों और सरकार के बीच में। और इसीलिए उम्मीद ये कि आज का जब बजट पेश होगा तो वो किसान सेंट्रिक हो सकता है, और पिटारा जब खुलेगा तो किसानों के लिए बहुत बड़े ऐलान और तोहफे हो सकते हैं। वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर, सरकार से दोबारा बातचीत के लिए टिकैत ने रखी शर्त, पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा करे सरकार। बिल्कुल, जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई हो और उसके पहले बातचीत शुरू नहीं होगी। अभी राकेश टिकैत ने कह दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बातचीत शुरू करने की अपील की थी, और उसी पर राकेश टिकैत का ये जवाब कि पहले जो गिरफ्तार किसान है उन्हें रिहा किया जाए, बिना इसके बातचीत की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन चालनी आईटीओ में हिंसा हुई थी, उसके बाद टीकरी सिंगू बॉर्डर और लाल किले में हिंसा हुई थी, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई थी, हिरासत में लिए गए थे। अब शायद टिकैत भी मान रहे हैं ये उन्हीं के लोग हैं जिनको वो छुड़वाने की इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अपनी एक बात पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते, वो पल पल अपना बयान बदलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो टिकैत कल शाम 4 बजे तक सरकार के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए नरम रुख पर दिखा रहे थे, पीएम की बात का मान रखने की बात कर रहे थे, उसी टिकैत की बोली 4 घंटे के बाद किस तरह से बदल गई, उनके रुख में कैसे गर्मी आ गई है, सुनिए जरा। 18 महीने पे नहीं, दबाव में समझौता नहीं, कंडीशन समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे, जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें, वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरी भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है, बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा, उन्हें कॉल करा है तो उनका सम्मान रखा जाएगा। हमारी तरफ से रास्ता खुला हुआ है, हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए, जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशन, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर लेंगे, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो उसको शुरुआत हो जाएगी, वो हम कमेटी से बात कर लेंगे एक बार। कौन लेके गया वहाँ तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैराशूट की तरह चला जाए आदमी? उन अधिकारी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो लेकर गए। हमने धन्यवाद कराए प्रधानमंत्री ने पहल करी है, और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहेगा। भाई, सरकार जब तक बात नहीं करेगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, बातचीत से यह लोग, हम भी कह रहे बातचीत से यह लोग, फिर भी कहेंगे कमेटी से कि बातचीत से समाधान निकलेगा, और कमेटी अगर वे टाइम देंगे सरकार तो कमेटी बात करेगी। हमारा जो ऑफिस है वो सिंगू बॉर्डर है, जैसे पहले वहाँ से चिट्ठी वो देते थे वो दे तो हम बात करेंगे। गाँव की एक कहावत है कि छाज और राड, राड मतलब लड़ाई और छाज मतलब लस्सी, लस्सी में पानी गिर जाओ उसे बढ़ाओ जो, और लड़ाई भी है कि दोनों तरफ से बोल दो, जब खत्म करनी चाहो दोनों तरफ से खत्म हो जाए। सरकार जब चाहिए जब तक चले। ये पत्थरबाज हैं, वे कश्मीर में भी थे, वहाँ जवान पे मार रहे हैं, यहाँ किसान पे मार रहे हैं, दोनों पे पत्थर चल रहे हैं देश में, ये कौन सा तालमेल है ये समझ में नहीं आया, इसका पता तो जरूर लगाओगे। अरे, मुद्दे तो सारे वही थे तो सरकार दूसरी चीज में उलझाए थी हमें, हमारे मुद्दे वही हैं, करेंगे समाधान या जनता काट देगी समाधान, काट देंगे समाधान उसका भी। ये जो वोट की राजनीति है हमें इसी से डर लगे भाई, जिसे वोट जहाँ देनी वो वहीं दे लियो, यहाँ वोट तलाशने कोई ना हो, ना हम कोई चुनाव लड़ रहे, ये भी गलत फहमी का हम चुनाव लड़ रहे ना।
और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। आज से देश भर में पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बजट में बड़ी राहत की उम्मीद है। कोरोना ने फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नुकसान किया। टैक्स की भारी कटौती की मांग सरकार से भी की जा रही है। रियायत के लिए सकारात्मक संदेश भी संकेत भी सरकार दे रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री भी लगातार कोरोना संकट से जूझ रही थी। एक इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी संदेश मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कुछ फायदा, टैक्स में कुछ रियायत इस इंडस्ट्री को भी दी जाए। तो आज से बजट से आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे वो आपको बताते हैं। ये बजट किस तरह के बदलाव आपके आम दिनों में लेकर आता है वो आपको बताते हैं। आज से ट्रेनों में खान पान के नियम बदल जाएंगे। ये वो चीजें जो आज 1 फरवरी के बाद बदलने वाली है। ट्रेनों में खान पान के नियम बदल जाएंगे, ये सबसे बड़ा बदलाव आज से आपको दिखाई देगा। तो ये रेल बजट से जुड़ी हुई एक खबर है, ट्रेनों में खान पान के नियम बदल जाएंगे। पहले की तरह ट्रेनों में खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रेनों में खान पान के नियम, कोरोना महामारी आने के बाद तकरीबन 1 साल से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। कई व्यवस्थाएं कोरोना से बचाव के लिए बदली गई, लेकिन अब कोरोना की वैक्सीन आने के बाद उन व्यवस्थाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज से क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। ट्रेनों में खान पान के नियम, आज से ट्रेनों में खान पान के नियम बदल जाएंगे। पहले की तरह ट्रेनों में खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं। चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ई कैटरिंग सेवा फिर से शुरू करेगा IRCTC। अब चलिए अगला क्या बदलाव होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ATM से पैसे निकालने के नियम आज से बदलने वाले हैं। ATM से पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं। PNB ग्राहक नॉन EMV ATM मशीनों से ट्रांजैक्शन अब नहीं कर पाएंगे, सिर्फ EMV मशीनों से ही पैसे निकालने की छूट मिलेगी। यानी कि ऐसे ATM अब काम में नहीं आएंगे जो कि पैसा निकालने के दौरान कार्ड मशीन में होल्ड नहीं रखते हैं। जो मशीन होल्ड रखेगी कार्ड को उसी से पैसे निकल पाएंगे आज के बाद। और देखिए कई नए हवाई रूट पर उड़ान शुरू आज से हो जाएगी। ये एक अलग बदलाव आज 1 फरवरी से आपके जीवन में होने वाला है। आज से कई नए हवाई रूट पर उड़ानें शुरू हो जाएंगी जो कि कोविड के दरमियान रुकी हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस आज से 27 मार्च 2021 तक त्रिची और सिंगापुर के बीच डेली फ्लाइट शुरू करेगा। अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी। आज से इंडिगो की अहमदाबाद टू लखनऊ फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। तो ये बदलाव एक अलग आज 1 तारीख से होने वाला है। अब अगले बदलाव के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। DU में छात्रों को एंट्री आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ ऑफलाइन पढ़ाई आज से शुरू होने वाली है। ये एंट्री आपको ऑफलाइन पढ़ाई की मिलेगी, जो अभी तक ऑनलाइन हो रही थी वो अब क्लासेस में जाकर के शुरू हो जाएगी। छात्र क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई कर पाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को ही क्लास में जाने की मंजूरी मिली है। सभी छात्रों को आज से कॉलेज आना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपनी मर्जी से कॉलेज आने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी राशन लेने की प्रक्रिया आज से राशन कार्ड के जरिए होगी। राशन लेने का नियम बदल गया है। अब राशन लेने के लिए जरूरी होगा OTP, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी होगा आपका OTP। OTP बताने के बाद ही राशन मिलेगा। बायोमेट्रिक की जगह आयरिस ऑथेंटिकेशन होगा। अभी केवल तेलंगाना में लागू होगा यह नियम। आयरिस ऑथेंटिफिकेशन यानी आपको अपनी आंखों का स्कैन करवाना होगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगी सौगात, मिलने का यह अनुमान है। मेक इन इंडिया के तहत मिलेगी बड़ी राहत। बिल्कुल, और ये लगभग तय माना जा रहा है। खासतौर पर टैक्स दरों में कमी आएगी, इस बात का भी पूरा भरोसा है, क्योंकि वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान यही मांग मजबूती के साथ उठाई गई थी। अच्छा परफॉर्म करने वाले उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए PLI योजना का विस्तार संभव है। इस योजना के तहत अच्छे रिजल्ट देने वाले उद्योगों को करों में ज्यादा रियायत दी जा रही है, और आर्थिक मंदी के साथ साथ बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को ज्यादा टैक्स छूट देने की सौगात दे सकती है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरियां गई हैं, तो छोटे उद्योग जो कम लागत में लगते हैं और साथ ही साथ काफी सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो अगर ऐसे उद्योगों को टैक्स में छूट मिलेगी तो रोजगार ज्यादा हाथों में जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इसके अलावा वो तमाम उद्योग जहां से रोजगार का सृजन होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि बड़े सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो ऐसे उद्योग जो रोजगार पैदा करने वाले हैं उन्हें टैक्स में ज्यादा रियायत मिल सकती है। आज के इस बजट से उम्मीद यही कि ऐसा करने पर रोजगार पैदा होगा। और चलिए बजट के ठीक पहले आपको हम बता देते हैं कि आज के बजट के बाद सस्ता क्या हो सकता है और क्या कुछ है होने वाला है महंगा, वो बता देते हैं आपको हम पहले। देखिए शुरुआत करेंगे फर्नीचर का कच्चा माल, ये उन चीजों में आता है जो कि सस्ता होने की संभावना है। इसके अलावा केमिकल, तांबा, दूर संचार उपकरण, रबड़ उत्पाद, कस्टम ड्यूटी, कपड़े, कालीन, पॉलिश, देश में बने खिलौने, ये वो चीजें जो कि सस्ती हो सकती हैं आज से। अब महंगा क्या होगा इसकी भी थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, कार, बाइक, विदेशी शराब, ब्रांडेड कपड़े, ये महंगे हो सकते हैं इस बजट के बाद। तो ये वो चीजें हैं कि जो जरूरी चीजें हैं जिंदगी से जुड़ी हुई उनको शायद सस्ता किया जाए, जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं जो चीजें सस्ती हो सकती हैं, देश में बने खिलौने जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा था, कालीन घरेलू स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कपड़े, पॉलिश, दूर संचार उपकरण, तांबा, फर्नीचर या कच्चा माल, तो ऐसी चीजें जो कि ऐसे उद्योग जो कि सीधा लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं, जो प्रोडक्ट्स रोजगार दे रहे हैं वो सस्ते हो सकते हैं, लेकिन वहीं जो चीजें हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हैं, लग्जरी हैं, वो शायद थोड़ा महंगी हो। ये आप देख रहे हैं शालिनी, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी जैसी चीजें महंगी हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए बजट उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि 11 बजे के करीब पेश किया जाएगा, लेकिन उसके भी तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले सबसे पहले जी हिंदुस्तान आपको ये बता रहा है बजट से उम्मीदें क्या है, क्या सस्ता क्या महंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट भविष्यवाणी से, सैलरी क्लास के साथ साथ और बताते हैं कि टैक्स के मोर्चे पर क्या क्या मिल सकता है, क्या ऐलान हो सकते हैं। ...2019 के अंतरिम बजट में टैक्स छूट का बड़ा ऐलान किया गया था, तो वहीं 2020 में टैक्स के नए तरीके का ऐलान हुआ था, तो क्या 2021 में बजट में फिर से कोई राहत मिल सकती है। देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स देते हैं और पहली भविष्यवाणी सैलरी क्लास से जुड़ी हुई है। बजट में सैलरी क्लास को 80 सी या 80 डी में ज्यादा छूट मिल सकती है। 80 सी में अभी छूट की सीमा 1.5 लाख है और इसे बढ़ाकर 2 लाख तक किए जाने की संभावना है, यानी 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य का संकट पैदा हुआ, ऐसे में 80 डी में भी छूट दी जा सकती है, साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव हो सकता है। टैक्स से जुड़ी अगली भविष्यवाणी महिलाओं से जुड़ी है। बजट में इस बार महिलाओं को टैक्स में अलग से छूट दी जा सकती है, खास तौर पर ये छूट ब्याज से हुई आय पर दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाए जाने की संभावना है। बजट 2018 में बुजुर्गों को ब्याज से हुई आय पर टैक्स की छूट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 तक कर दी गई थी। इस बार इस सीमा को फिर से बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 25,000 से बढ़कर 50,000 तक हो सकता है। सरकार 2022 तक सभी को घर देना चाहती है और अब सरकार के पास केवल 2 साल का समय ही बचा है। ऐसे में इस बार बजट में सस्ते घरों के लिए 24B के तहत छूट की सीमा बढ़ सकती है। फिलहाल 24B के तहत छूट 2 लाख रुपए तक की मिलती है। सरकार कोरोना सेस लगा सकती है। मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर सरकार सेस के जरिए पैसे जुटा सकती है। सरकार पर इकोनॉमी को ज्यादा रफ्तार देने और वित्तीय घाटा कम करने का दबाव है, इसलिए ज्यादा छूट की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की भी, क्योंकि इस बजट में बीमा के क्षेत्र में काफी बदलाव की बात कही जा रही है। यह तय माना जा रहा है कि बीमा क्षेत्र में FDI को सरकार बढ़ाने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा।
इंश्योरेंस के सेक्टर में अब तक सूत्रों के मुताबिक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उनमें सबसे खास बात ये है कि इंश्योरेंस एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% हो सकती है। वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग में एफडीआई लिमिट बढ़ाने की मांग की गई थी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस पर सहमति बन गई है और अब इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। सरकार लगातार विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल के आर्थिक मंदी के झटके से तेजी से उबरने के लिए इस वक्त सरकार को सबसे ज्यादा उम्मीद विदेशी निवेश से ही है, इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा सकती है। इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ने के फायदे। एफडीआई बढ़कर 74% होने पर घरेलू कंपनियों को पूंजी मिलेगी। कई कंपनियों को विस्तार के लिए पूंजी की इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरत है। विदेशी कंपनियां नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दे पाएंगी। नई पूंजी मिलने से इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के 7 गुना सम एश्योर्ड पॉलिसी में भी टैक्स छूट मिलेगी। कम अवधि और बड़े प्रीमियम की पॉलिसी होल्डर्स को इसका सीधा फायदा होगा। अभी बीमा प्रीमियम पर सम एश्योर्ड के 10% तक इनकम टैक्स की छूट मिलती है। अगर आप प्रॉपर्टी का बीमा कराना चाहते हैं तो इसमें भी आपको राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम को इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में 25,000 तक की छूट की संभावना। बाढ़, भूकंप, आग से प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान के लिए होता है बीमा। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इन सुधारों का सीधा फायदा आम लोगों को मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या क्या चीजें महंगी हो सकती हैं, ये बजट आपकी जिंदगी को कहां सस्ता करने वाला है, कहां महंगा करने वाला है, ये आपको समझाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या महंगा होगा, क्या क्या सस्ता होगा। और फर्नीचर का कच्चा माल, ये दो चीजें आप देख रहे हैं। फर्नीचर का कच्चा माल जो है सस्ता होगा, वॉशिंग मशीन महंगी होगी, तांबा सस्ता होगा, टीवी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा दूर संचार उपकरण सस्ते हो सकते हैं, मोबाइल लेकिन महंगा हो जाएगा। रबड़ उत्पाद सस्ते होंगे, लेकिन कार खरीदनी अगर आपको तो पैसा ज्यादा देना होगा। कस्टम ड्यूटी सस्ती लेकिन बाइक महंगी। कपड़े सस्ते लेकिन विदेशी शराब महंगी। तो बजट से जुड़ी हर जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में, आपके अपने शब्दों में, जी हिंदुस्तान बताएगा आपको। देखते रहिए जी हिंदुस्तान।